नहाते हुए इस एक ट्रेस का वीडियो हुआ था वायरल। मां पर फिल्मों में धकेलने का आरोप। हंसिका मोटवानी का जन्म 9 अगस्त 1991 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था। 2004 में वे 13 साल की उम्र में सीरियल शाकालाका बूम बूम में नजर आई थी। 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया में हंसिका मोटवानी ने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। 2007 में फिल्म आपका सुरूर में हिमेश रेशमिया के साथ नजर आने के बाद हंसिका चर्चा में आई थी। 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमे एक युवती बाथरूम में नहाते दिख रही थी। इस वीडियो को हंसिका मोटवानी का बताया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ये हंसिका ही हैं क्या कोई और, वे अब मलयाली फिल्मों में डेब्यू कर रही हैं। जल्द हंसिका मलयाली फिल्म विलेन में नजर आने वाली हैं। इसमें दक्षिण के ख्यात एक्टर मोहनलाल भी हैं। ये फिल्म सितंबर में आएगी। हंसिका 16 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म देसामुद्दुरु में नजर आई थी। बताया गया है कि हंसिका की माँ की इच्छा थी कि हंसिका फिल्मों में आए, यही कारण है कि हंसिका को बहुत छोटी उम्र में एक्टिंग में आना पड़ा। कहा ये भी जाता है कि उम्र से बड़ी दिखने के लिए हंसिका ने ब्रेस्ट इम्प्लांट और कई सर्जरीज भी करवाई हैं। उन्होंने शाका लाका बूम बूम के अलावा करिश्मा का करिश्मा देश में निकला होगा चांद और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है। हंसिका को देश में निकला होगा चांद सीरियल के लिए बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड दिया गया था। साथ ही उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म देसामुद्दुरु के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू फिल्म फेयर के सम्मान से नवाजा जा चुका है। हंसिका सिंधी परिवार में जन्मी है। उनकी मां मोना मोटवानी डर्माटोलॉजिस्ट है, लेकिन हंसिका बौद्ध धर्म अपनाती हैं। उनका भरोसा है कि तनाव से दूर रहने के लिए इस धर्म में बताए मंत्र असरकारी हैं। वे इन मंत्रों का उच्चारण रोज सुबह करती हैं। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है।